बनाने जा रही हूँ खीर। खीर कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं खीर बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग तरीके से, और कुछ अलग अलग चीज़ें मिक्स करके मैं बनाऊँगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ये खीर जब बनाएंगे ना तब आपको लगेगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, स्वाद में भी डिफरेंट और देखने में भी डिफरेंट। आइए बनाते हैं बहुत ही स्पेशल खीर। हलवाई वाली ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको, आज मुझे 7-8 किलो दूध की खीर बनानी है। तो ये खीर बनेगी ना, तो ये है पतीला। अब इसके बाउंड्री पर हम लगा देते हैं घी। इससे क्या होगा कि यदि थोड़ा सा भी दूध निकलने वाला होगा ना, वो निकलेगा नहीं। ये वाली ट्रिक आप घर में भी आजमा सकते हो, छोटा भी पतीला हो ना तो आप इस तरह से घी लगा दीजिए बाउंड्री पर, आपका दूध बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इस घी को टच करके वापस नीचे चला जाएगा। इसमें जो राइस है ना वो मैं आपको बताती हूँ किस नाप से मैंने डाले। जो अपना हाथ है ना, ये देखिए दादी नानी की बताई हुई ट्रिक बता रही हूँ कि 1 किलो दूध में और हमारे इस हाथ में, खुले हाथ में जितने राइस आए ना, ये इस तरह से, ये देखिए इतने 1 किलो दूध में चावल डलते हैं। ठीक है, आपसे मैंने इसमें राइस डाले हैं और ये खीर हमारी 15-20 मिनट हो गए पकते हुए। ये देखिए इसमें अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, ये देखिए, और डालेंगे हम थोड़ा सा दरदरा किया हुआ मखाना, ये देखिए दरदरा किया हुआ मखाना है, ये हम डाल देंगे। जैसे हम मखाने की खीर बनाते हैं ना, इस खीर में भी ये मखाना बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये है भीगे हुए बादाम का पेस्ट। ये जो इतनी सारी खीर बन रही है ना, ये आज हम खीर पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना है ना, तो सब फ्रेंड्स मिलके खीर पार्टी करेंगे। देखिए अब हम डालेंगे ये केसर। केसर की 15-20 पत्तियां पानी में अच्छी तरह से पेस्ट बना के हमने इसमें खीर में डाल दिए है। केसर आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। अब हम ये डालेंगे बादाम, ये देखिए खीर है ना, इसे हमने लगभग 1 घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है और ये पक के लगभग तैयार है, ये देखिए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कुछ लोग कम मीठा लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल फीकी लेते हैं क्योंकि उनको जलेबी के साथ खानी होती है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा मीठा, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा हम डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर ये एज पर योर चॉइस वाली बात है। बहुत लोग खीर में नारियल नहीं पसंद करते तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। चीनी, चीनी आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं और वाइट चीनी भी। डाल रहे हैं चीनी और टेस्ट करके देख लेंगे, जरूरत हुई तो और डाल लेंगे। ऐसे ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब खीर बनती है ना तो उसको एकदम शाही खीर बनाने के लिए 1 चम्मच घी का जरूर डालना चाहिए। हमारी दादी नानी की ट्रिक को यूज करते हुए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी इस खीर में। कहते हैं कि खीर में जब घी डाल दिया जाता है ना तो वो बिल्कुल शाही भोग बन जाता है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी। और अब लास्ट मैं डाल रही हूँ इसमें पिस्ता, ये देखिए पिस्ते का जो कलर है ना वो तो स्वीट डिश में तो अच्छा लगता ही लगता है और दूध में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो ये जो हमारी खीर है ना ये पिस्ते से और भी ज़्यादा रिच दिखाई दे रही है। ये देखिए खीर बनके बिल्कुल तैयार हो गई। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसी लगी ये खीर आपको? थी ना थोड़ी डिफरेंट? आप ये खीर बना के जरूर देखिएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, सब लोग आपकी इस खीर की तारीफ करेंगे, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अपना फीडबैक मुझे जरूर से भेजिएगा और यदि आप लोगों को मुझसे कोई और रेसिपी बनवानी हो तो बिल्कुल आप लिख के भेजिए। फिर मिलते हैं सुशीलास किचन में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।